سهل. चलो बच्चा पार्ट एक बार शेयर करो फटाफट. चलिए 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 चलिए. हेलो हेलो बच्चा. आवाज की बात ओके. साउंड अच्छी आ रही बच्चों? एक बार शेयर करो. सर क्या आपने टेट सीरीज लॉन्च की है? फिजिक्स के लिए पीवाईक्यूज की कौन सी बुक बेस्ट होगी? हम लोग ही देंगे आप लोगों के मालूमात के लिए. चलो एक बार शेयर करो यार फटाफट, है ना. चलिए तो आज आपको पता है कि फ्लूइड सेशन चालू हो चुका है और इसके आज एमसीक्यूज भी खतरनाक तरीके से करने वाले. ओके तो हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर. यार सबसे मेन कुछ बच्चे मुझे पूछते रहते हैं शौर्य प्लस बैच क्या है, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज है, रिकॉर्डेड सब चीज़ें, और जो लाइव चली है वो लाइव भी मिलेगा. ओनली 899 में मिल रहा है आप लोगों को. जो बच्चे लेना चाहते हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी. फिर न्यूमेरिकल कब होगा? न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ. टेंशन मत लो आप, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लो ऑफ वाटर थ्रो यूअर टैप. अपने टैप नल, पानी का नल, कैसे पानी आता है. क्या देखा है बच्चों आप लोगों ने इसमें? आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा मिल रहा है? गणेश, आपको पीजीएमएन ऐप पे स्पेशल फोल्डर बना के रखा है, जाके चेकआउट करो. देखा जो स्टॉक पर बहुत मोटिवेट हुआ, थैंक यू. ओके ली वेलकम बेटा. देखो जैसे कि आप लोगों ने कभी गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखा होगा और इसमें से भी एक सिट्टी में से हवा निकलती है, देखा आपने, वो भी फ्लूइड है बच्चों, ठीक है. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रिवर या कैनल में पानी बहता है, वो भी देखा होगा. तो आप लोगों ने बच्चों ये सब देखने से क्या क्या सीख मिलती है, तो हम लोगों को कौन से फ्लो को क्या बोला जाता है, ये सब चीजें हम लोग ठीक है पढ़ने वाले. तो सबसे पहले यार द ब्रांच ये जो है हमारी जो रेस्ट फ्लूइड की बात करेंगे, कौन सी जो फ्लूइड रेस्ट पे हो, फ्लूइड जो हमारा रेस्ट हो बच्चों, उसको हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स कहेंगे. क्या बोलने वाले हैं? हाइड्रोडायनामिक्स. देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज मोशन. अगर जो मोशन, सॉरी ये तो हम लोग इसमें देखा है ना, सॉरी ये फ्लूइड जो मोशन में, जो फ्लूइड मोशन में है, जो फ्लूइड मोशन में है उसको हम लोगों ने हाइड्रोडायनामिक्स. सर फ्लूइड रेस्ट रहा तो हाइड्रोस्टैटिक बोला था, याद होगा हाइड्रोस्टैटिक्स बोला था उसको पहले. अब मेरा फ्लूइड नल में से पानी आ रहा है, नल में से पानी आ रहा है, रिवर में पानी बहना, कैनल में स्विमिंग की आप लोगों ने कभी? कैनल, कैनल होता है गांव के तरफ, बच्चों वाले को पता होता है कैनल क्या होता है. तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखा होगा बच्चों. तो इसमें आप लोगों को पानी बहता हुआ दिखाई देता है, मोशन में दिखाई देता है, उसको हम लोग फ्लूइड. अब देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो जो इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए वही बताऊंगा. स्ट्रीम लाइन मतलब जो फ्लूइड
कंटिन्यूसली इन सेम डायरेक्शन में और कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन, है ना, स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं उसको. ओके, इसके बाद में हम लोगों को स्ट्रीम लाइन फ्लो तो मैंने बता दिया आप लोगों को. स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है, जो मोशन हो, है ना, स्मूथली ऐसे, इसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं. और टर्बुलेंट फ्लो जब होता है, जैसे कि रिवर में बाढ़ आती, बाढ़ आने के बाद हम लोग देखते हैं कि देखो ये फ्लूड ऐसा जा रहा है, ये 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 ऐसा जा रहा है भैया. मतलब पानी की जो बूंद होती है इधर उधर आती रहती है. इसी को हम लोग, सर आज टॉपर बैच मदे लेक्चर नहीं का, नहीं वैष्णव आज नहीं रहता है ना, ठीक है, तो इसको कहेंगे भैया टर्बुलेंट फ्लो. क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट मतलब ये स्टेडी फ्लो नहीं होता, ये पार्टिकल इधर उधर ऐसे करता है. इसमें कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इनका फ्लो कोई स्मूथ नहीं होता है. इन चीजों को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. मतलब फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट होता है, देयर इज नो स्टेडी फ्लो, ये स्टेडी फ्लो नहीं होता, या फ्लो पैटर्न चेंजेस होता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा. ये क्रिटिकल वेलोसिटी या रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या था बच्चों? जो ऐसा फ्लो हो, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है. ये क्या है मेरा? ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, है ना, ये जो हमारा दिख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो. और जो टर्बुलेंट फ्लो, अगर इसी का बाद में हमारे पास अगर ये 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 वाटर कैसे भी, मतलब कोई इसको दिशा नहीं है, इसको कहा था हमने टर्बुलेंट फ्लो. क्या कहा था? टर्बुलेंट फ्लो, ये टर्बुलेंट फ्लो है. मतलब स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में अगर कन्वर्जन हो जाए. सर आपके कौन सी ई बुक है क्या? पीवाई, हाँ PGMN ऐप पे है बेटा, PGMN ऐप पे. और हम लोग अभी अपडेट कर रहे, पूरा डेटा अपडेट कर रहे. कुछ बच्चे की मांग थी कि सर ये बराबर नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी है, ऐसा लग रहा है वैसा. खुद हैंड रिटन नोट्स बना रहे, खुद बना रहे भैया. ठीक है, देखो द वेलोसिटी बियॉन्ड विद द स्ट्रीम लाइन फ्लो से बिकम टर्बुलेंट फ्लो बन जाए. मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो था का कन्वर्जन टर्बुलेंट फ्लो में हो जाए, तब उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे. आई विल रिपीट, स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्जन हो जाए, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी. अरे क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड रहती है आर ये ईटा रो इनटू डी. ये कौन है सर? ये क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चा पार्टी. कौन है ये? क्रिटिकल वेलोसिटी है. ठीक है, आर इज द रेनॉल्ड्स नंबर है बेटा. ये कौन है? ये कौन है? रेनॉल्ड्स नंबर है. ये कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्को सिटी है, ये डेंसिटी है. रो कौन है? डेंसिटी. और ये डी इज द डायमीटर है, डायमीटर है. ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपको आना चाहिए. अगर रेनॉल्ड नंबर निकालना है, ये आर्यन बोल सकते हैं रेनॉल्ड नंबर, तो ये वी सी रो डी डिवाइड बाय ईटा. और ये रेनॉल्ड नंबर, ये प्योर नंबर है बच्चों. रेनॉल्ड नंबर क्या? ये प्योर नंबर. ये नंबर डिसाइड करता है कि आप स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहे हैं पानी को, जो भी आप फ्लूइड ले रहे हो, या टर्बुलेंट है या अनस्टडी है, इसके ऊपर निर्भय करता है. ये प्योर नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है. नो यूनिट, है ना, नो यूनिट एंड डायमेंशन. मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं. ये नंबर है, प्योर नंबर है. अगर लेस देन 1000 रहा, देखो लेस 1000 रहा,
तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, कौन सा फ्लो है? ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। अगर ग्रेटर दैन 2000 रहा तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, कौन सा है? ये टर्बुलेंट फ्लो है, ध्यान रखना। दो हजार से बड़ा नंबर रहा तो ये टर्बुलेंट फ्लो, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? नो यूनिट हैज नो डायमेंशन, यस। वो भी फार्मूला भी देता हूं बेटा, बाजड़ ज्ञानेश्वर, ये समझ में आया क्या? ये इतना बोल दे तू, ब्रह्मास्त्र बुक में हम लोग बहुत ही खतरनाक तैयार कर रहे, डबल तैयार कर रहे, क्योंकि कुछ बच्चों की मांग थी कि सर ये नहीं है वो नहीं है, तो खुद हैंड रिटन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया पूरा, करीब करीब एक दो दिन में आपको पूरा। सर क्या लॉग से कैलकुलेशन करना? ये डिपेंड रहता है, HSC बोर्ड हो तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 1000 और 2000 के बीच में हो, है ना, 1000, तो वो अन स्टडी होता है, ओके, ये बात ध्यान रखना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों? जो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में फ्लो होती है वो, जबकि वेलोसिटी कहां से? स्ट्रीम लाइन था, पानी स्मूथ बह रहा था, अचानक से बाढ़ आ गई भैया, वो जो वेलोसिटी होती है इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसका फार्मूला है आर ईटा डिवाइड बाय रो डी। मैंने इसका मीनिंग समझा दिया। आर ये जो है ये रेनॉल्ड्स नंबर है, और ये प्योर नंबर है, प्योर नंबर है ये, ठीक है। और वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है डायमेंशन नहीं है। अगर लेस देन 1000 हो तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, आर की वैल्यू 1000 के लेस हो तो, अगर 2000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट, और 1000 और 2000 के बीच में हो, ठीक है ना, तब आप लोग इसको बोल सकते हो अनस्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या है सर? आप लोग जानते हो कि विस्कोसिटी क्या है सर? विस्कोसिटी एक गाढ़ापन होता है, जितना ज्यादा गाढ़ा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी, जितना ज्यादा गाढ़ा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। तो हम लोगों को कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी जाता, देखो विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंस लेयर ऑफ फ्लूइड एक्समेट ड्रैगिंग फोर्स, मतलब रुकती है। जैसे कि आप लोग कभी समंदर में जाओगे तो नीचे की जो लेयर है उसमें नहीं क्या ज्यादा फ्लो नहीं होता बेटा फ्लूइड, और ऊपर देखो कैसे भर भर के ऐसे लेयर ऊपर की जो है वो बहती है ज्यादा ज्यादा जोर से बहती, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ओके। और नीचे नीचे जाओगे तो देखो ज्यादा से ज्यादा स्टेशनरी होती है, नीचे से नीचे ज्यादा स्टेशनरी होती है, मतलब स्टेबल होती है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के बारे में आपको बता दूं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, विस्कोस फ्लो कैसे होता है? जैसे कि आप लोगों ने कभी रिवर में जाते हो तो रिवर के देखो हम लोग खड़े रह सकते बेटा, रिवर के बीच में जाने के लिए अगर बाढ़ आ जाए तो आपके मम्मी पापा नहीं को बिल्कुल कान के नीचे बजाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे कोई भी। उसका कारण पता है आपको क्या होता है? जब रिवर की एजेस होती है वो पानी को पकड़ के रखती है, विस्कस फोर्स बोलते हैं उसको, अपोज करती है रिलेटिव मोशंस को, और बीच में उसका अपोज कम होता है, इसलिए बहता जो पानी है बीच वाला वो बहुत ज्यादा होता है। अगर पाइप, हम लोग पाइप क्यों इस्तेमाल करते थे? पाइप देखो ऑयली होता है, पाइप इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी नॉन विस्कस फोर्स हो, कोई चिपक ना जाए पानी, या कोई सॉलिड का और फ्लूइड का कोई चिपक ना जाए, सीधा पानी नॉन विस्कस फ्लो से बढ़ जाए, यह कोशिश रहती है, ठीक है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस x, कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा भी dv बाय dy भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। इसका SI यूनिट देखते हैं, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, स्टेशनरी मतलब यहां पे आप लोगों ने देखा होगा, देखो ये स्टेशनरी लेयर से मेजर करेंगे dx, देखो ये स्टेशनरी बाद में x एक्सेस, देखिए x बढ़ रहा है, बढ़ते 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 x प्लस dx क्या यहाँ पे, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या मिलेगा? बोल सकते हो
वेलोसिटी का होगा, वेलोसिटी क्या बेटा, मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस इसलिए मीटर, मीटर मीटर गेट भी कैंसल, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है सर? तो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ये जो बेटा ये आपकी एरिया पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितनी है, है ना, स्टेशनरी लेयर से मेजर करना है लेकिन आपको, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू, लिखना है तो कॉन्स्टेंट ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, तो ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ए डी वी बाई डी एक्स, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, ये एसआई यूनिट क्या आएगा, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है बेटा मीटर स्क्वायर, और डीवी बाय डीएक्स का मैंने अभी अभी सेकंड इनवर्स बोला था, तो ये न्यूटन, सेकंड ऊपर गया तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय है ना मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है किसका, विस्कोसिटी का। शायद इसी से आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, न्यूटन के डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस वन और टाइम ए टी वन और डिवाइडेड बाय एल टू, बच्चा पार्टी यहाँ पे एम वन एल माइनस वन, समझे बेटा, ये एल वन ये एल टू ऊपर गया, ये एल वन ऊपर गया और एल टू माइनस टू हो गया, तो एल माइनस वन होगा, सही है बच्चा पार्टी, ये माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, ये मुझे कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन भी मिल गए, ओके। और इसको पॉइज में गिनते हैं, अगर आपको न्यूटन सेकंड करना है, ऐसे दे दिया 10 पॉइज दे दिया, ध्यान रखना बट्टा, तो इसको 10 ये 10 रेस टू माइनस वन करके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर करते हैं, वन पॉइज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 10 रेस टू माइनस वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा बेटा, सिंपल सिंपल चीजें है। ये स्टोक्स लॉ क्या कहलाता है, अगर आपने कोई फ्लूइड में एक स्पीयर ले लो, गोटी खेलते बेटा, गोटी खेलते आप लोग, राष्ट्र स्टूडेंट कम है इसलिए आपका जो स्टॉक कम है, नहीं बेटा थोड़ी तबीयत नहीं बराबर, हाँ खांसी सर्दी चालू है, लेकिन करे क्या सर, आप टॉपर बैच में अच्छी नहीं, टॉपर बैच में उल्टा अच्छा पढ़ा रहा बेटा, और ऐसा नहीं बेटा, प्रॉब्लम ये है सर, टॉपर बैच में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो क्या, कोई ऐसा नहीं है, कोई गलत फहमी मत करो कि इसमें ये कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो जो गोटी खेलते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोटी खेलते होंगे, ठीक है ना, क्या करना, आप लोग कोई फ्लूइड ले और इसमें से ऐसा स्पीयर डाल देना, डालने से क्या होगा भैया, अगर हम लोगों ने एक ये स्पीयर डाल दिया तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा बेटा, ठीक है, विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, तो आपका रेडियस कितना है स्पीयर का, हाँ सर, है ना, आपका रेडियस पूछना पड़ेगा क्योंकि स्पीयर कितना बड़ा है, छोटी गोली है बड़ी गोली है देखना पड़ता है, मीडियम कितना विस्कोसिटी है, आप लोग किसमें डाल रहे, पेट्रोल डीजल हो हनी है हो सकती है कुछ भी हो सकता है, तो वो सबसे पहले आपका विस्कस जो मीडियम है बेटा विस्कोसिटी कितनी है, स्पीयर का रेडियस देखना पड़ेगा और इसकी नीचे आने की जो वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो विस्कस फोर्स है इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना है तो 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये विस्कस फोर्स होगा आपका, क्या बात समझ में आ रही बेटा, जैसे कि विस्कस फोर्स जो है ये, इसको विस्कस फोर्स एक्टिंग द स्मॉल स्पीयर, एक स्मॉल स्पीयर लिया आपने फॉलोइंग थ्रू द विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम जो है वो कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्कस मीडियम पे डिपेंड करता है, देन प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इस स्पीयर का रेडियस कितना है,
इसकी वेलोसिटी कितनी है थ्रू द फ्लूइड में से जो भाग रही है, जो दौड़ रही है भैया ये, तो ये 6 pi eta rv, ये आपको ये जो स्टोक्स लॉ है ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी। अब मुझे बताओ अगर पानी की बूंद रहती, बारिश के दिन है समझो, पानी आपके सिर के ऊपर आके खटाक से यहाँ पे आ गया, तो भैया आप लोग तो ना मरते हो ना कुछ होता है, ना आपके अंदर अंदर वो बारिश की बूंद अंदर आती है। सर कौन बचा रहा है हमको भैया? आपको बचाने वाले बहुत सारे हैं, नेचर ने बचा लिया भैया आपको, मैं सही बोल रहा हूँ। कैसे बचा दिया सर, थोड़ा सा इंटरेस्टेड बता दो, है ना भाऊ? मराठी पंसंग तो ऐसे कहीं नहीं। समझो हमने फ्लूइड माना है और ये है, आपको पता है इसके पास कुछ मास होगा खुद का, और मास होने के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड वेट होता है mg। कोई टेंशन भैया, कोई भी बूंदो कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है, मार्कर के पास मास है इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट होता है नीचे mg। भैया इसको कौन बचा रहा है? नंबर एक बचा रहा भैया ये जो फ्लूइड है इसके कारण होता होगा, इसके अंदर एक विस्कस फोर्स होता होगा, फ्लूइड है और फ्लूइड रिलेटिव मोशंस को ये अपोज कर रहा है, वो विस्कस फोर्स है। कौन सा बेटा? विस्कस फोर्स है। और दूसरा जो ऊपर अपथ्रस्ट एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? अपथ्रस्ट। सर ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? कोई भी फ्लूइड किसी के अंदर आने नहीं देता, जैसे कि मुझे बताओ एक आपने एक बॉल लो प्लास्टिक का और स्विमिंग टैंक में जाओ उसको डुबाने की कोशिश करो, क्या डूब जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। फिलहाल में तो ऐसी कोई बैच लॉन्च करने का इरादा स्वागत तो नहीं है, अभी हमारी टॉपर बैच चालू है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बैच को हैंडल करने वाले हैं। टेंशन जी सर खूब चांगले शिकवता, टेस्ट मिस झाली आता नहीं देता ये का। ठीक है, हाँ जीशान सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे बेटा, और हम लोग कोशिश करें, मेरी थोड़ी तबीयत खराब नहीं है इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आपकी, हम लोग करेंगे बेटा आपके लिए, बहुत प्लान करके रखे, कभी कभी हमको भी समेटना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से, है ना। जीशान सर भी बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं आपके मालूम के लिए, ओके। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे, कितने? दो फोर्सेस लग रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी में, आपको वो पता होनी चाहिए, है ना। तो टोटल डाउनवर्ड जो फोर्स है वो दो फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। देखो जो मेरा डाउनवर्ड जो फोर्स है एफ, ये जो दिख रहा है मुझे उसको जो भी बोला होगा एफ जी, वो आप लोगों को यू और एफ वी, ये दो फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा भैया वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ते बढ़ता है, ज्यादा फ्रिक्शन हुआ ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। और ये टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं? ऊपर का और नीचे का जो फोर्स है वो इक्वल हो जाता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? इक्वल होता है, और इसलिए इसके कांस्टेंट वेलोसिटी से वो पानी की बूंद नीचे आती है। अगर वो स्पीड से आती तो भाई आपका कुछ खराब नहीं रहता, आप दुनिया में नहीं रह पाते आपके मालूमात के लिए, इतनी ज्यादा स्पीड होती है वो, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो समझो और सोचो थोड़ा सा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये फार्मूले पता होंगे, इसके लिए आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एफ जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है 4/3 pi, है ना, आर क्यूब ये रो जी, ऐसा कुछ फार्मूला होगा आपकी बुक्स में लिखा वाला है ना। तो यहाँ पे 4/3 देख रहे भाई, एम की वैल्यू रो इंटू वी, रो किसका बेटा? स्फीयर, स्फीयर का वैल्यूम क्या है ये समझे क्या? ये मास की वैल्यू है, इसीलिए मैं 4/3 pi r³ ρg, और ये विस्कस फोर्स पहले लिखूंगा 6 pi eta rv। अभी मैंने आप लोगों को स्टोक्स लॉ जो पढ़ाया है वो, और आप थ्रस्ट फोर्स वैसे ही फार्मूला 4/3 pi r³, है ना। यहाँ पे ये सिग्मा लेंगे जी बेटा, ये जो है ये रो जो है वो हमारे स्फीयर की डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी बच्चा पार्टी? स्पीयर की डेंसिटी है, यस। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही बेटा? कोई टेंशन,
तो हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं. 6 pi eta rv, ये इधर आए तो 4/3 pi r³ ρg, और ये इधर आए तो इसको माइनस 4/3 pi r³. ठीक है, तो 6 pi eta rv 4/3 pi r³, ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी. मुझे लगता है मुझे ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, इसलिए 4/3 pi r³ ठीक है डिवाइडेड क्या बचा बेटा, v बचा था तो 6 pi eta r. एक r से एक r मर गया, r स्क्वायर हो गया, पाई से पाई मर गया बेटा, है ना. ये 2 जा, ये 3 जा, मतलब 2/9, ये r स्क्वायर g, ये रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा, ये फार्मूला मिला. मतलब आपको यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला मैं लिख के देने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिख के दे रहा हूं दोबारा. याद रखना 2/9 आर स्क्वायर जी, ये रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. किसका फार्मूला है बच्चों, ये टर्मिनल वेलोसिटी का ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है. सिद्धांत गिम कर सर मजे जी, एक बात बोलता हूं बेटा, ऐसा बोला जाता है बहुत ज्यादा JEE के क्वेश्चंस नहीं आते, एक लेवल होती है, उसी लेवल पे 30 मार्क कम से कम, 25-30 मार्क किसी भी बच्चे को आ जाए, ये CET लेवल की एग्जाम होती है. और ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी JEE की होती है, ओके. चलिए, या कभी कभी विस्कोसिटी पूछा तो बस इनको ये कर दो 2/9 आर स्क्वेयर जी, ये रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय वी, दिस इज द विस्कोसिटी का भी फार्मूला निकाल सकते हो. क्या आप लोग अभी पेन नोटबुक लेके बैठ रहे हो, ये फार्मूले दिमाग में याद आने चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आपको MCQs प्रैक्टिस करवा रहे हैं, MCQs प्रैक्टिस होने वाली है. क्या MCQs को स्टार्ट करना चाहिए, थम्स अप करो, एक बार बोलना है. सीट में लॉक टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लॉक टेबल दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर. सिग्मा क्या है, हाँ देखो, रो जो है ये डेंसिटी है बेटा, किसकी, स्फीयर की, और जो सिग्मा है वो भी डेंसिटी है, बट ये किसका है, ये फ्लूइड का है. ये जो आप लोग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रो है डेंसिटी ऑफ द किसकी, स्फीयर की. चलिए आप बताओ, बोलो, चलो जल्दी से. तैयार है सब लोग, दिखाओ थम्स अप तो दिखाओ भाई फ्री में, वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तैयार है सब लोग. चलिए, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन फार्मूले दिए बेटा आज आपको, कितने फार्मूले दिए आपको याद है सभी को, मुझे लगता है क्रिटिकल वेलोसिटी का दिया था एक, और ईटा रो डी एक नंबर फार्मूला दिया, नंबर 2 पे विस्कस फोर्स 6 pi eta rv नंबर 2, नंबर 3 ठीक है ना dv/dx, ये एक फार्मूला दिया. सही है, दिया क्या दिया, तो हाँ बोलो भाई, नहीं तो ना बोले तो भी चलेगा, जो दिया वो तो बोलो, है ना. इसी 4 फार्मूले से बनाने वाले क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा, इससे फार्मूले बनाना आना चाहिए. ये मेन 4 ही फार्मूले है,
पीसीएम इंग्लिश स्टडी डन बट इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का टेंशन है। रूपाली पाटिल ओके। चलिए ये बताओ करके, हाँ सर ले लिए है फार्मूले हमने। चलो बताओ पहले का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम विस्कोसिटी किसकी होगी? वाटर, केरोसिन, ग्लिसरीन एंड मर्क्यूरी। सर क्रिटिकल वेलोसिटी आणि प्रणालीचं डेरिवेशन मला येत नाही बोर्डसाठी। मी करून देईल बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मैं करके देता हूं, टेंशन मत लेना। ये बताओ सर, लेट हो गया बहुत, कोई टेंशन नहीं, बोलो कितने बच्चे हैं हमारे जो कि करके देने वाले हैं। सीएसी सी ऑप्शन बेटा, ग्लेशियर में विस्कोसिटी ज्यादा रहती। ग्लेशियर देखा नहीं आपने? ग्लेशियर देखो चिपकता है ऐसे बेटा, बहुत बहुत गाढ़ा होता है। निखिल मैंने बोला ना बेटा, लॉक टेबल होता है लेकिन इसका यूज नहीं करना चाहिए, मेरा सजेशन है आपको, ठीक है? आपको ग्लेशियर बोल सकते, ग्लेशियर में होता है बेटा, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गाढ़ापन ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा गाढ़ापन उसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट, ये करके दिखा, बोलो। जेल जैसा होता है, यस क्रिश। बोलो जल्दी जल्दी से जवाब दे दो। चलो फटाफट जवाब दे दो। हाँ जी, द रिलेटिव वेलोसिटी टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी डीवी लिखते हैं ऐसे, ठीक है? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैं 8 सेंटीमीटर को मीटर कर रहा हूं पर सेकंड। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, मतलब इसको कहेंगे dy बोलेंगे, जो भी बोलना, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 10^-1, 0.1 को लिख सकता हूं। सेंटीमीटर टू मीटर -2 बेटा, कितना होगा? -1, -2, -3 मीटर। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ द ग्रेडियंट, आपको dx dy जो लिखना लिखो, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट निकालना है। सबसे इजी सवाल बोलो, dv अपॉन dy। dv क्या बेटा? 8 10^-2 और ये -3। ओके मुझे वेलोसिटी कितना, इजी यार, ये -2 है, ये ऊपर गया तो माइनस का प्लस होगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये 10^-2 + 3 10^-1, तो ये होगा 80 पर सेकंड, 80। डी ऑप्शन आ रहा है सबका, सबसे इजी सवाल था, है ना? सबसे इजी सवाल था बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट, ये करके दिखाओ। चलो सर, रोटेशनल डायनेमिक्स क्वेश्चन जमत नहीं है। ओके ये करके बताओ। सर मैं बहुत गरीब हूँ। ओके माधव क्या हुआ बेटा? चलिए बोलो जल्दी से, एक मेटल प्लेट का एरिया बेटा वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो कैसे करोगे? 20 सेंटीमीटर टू मीटर -4 मीटर स्क्वायर,
अब ये बच्चों को पता होना चाहिए कि एक सेंटीमीटर रहा तो 10^-2 मीटर रहता है, करेक्ट है बेटा। अभी एक सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, फिर इसका सबका, तो क्या होगा 10^-4 और ये मीटर स्क्वायर, 10^-4 मीटर स्क्वायर, समझे। जब सेंटीमीटर टू मीटर हो तो -2 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो -4, ध्यान रखिएगा, सिंपल चीज है। सेपरेटेड लेयर ग्लिसरीन 1 मतलब इसकी जो थिकनेस है डी वाई वो 1 मिलीमीटर है, मिली को -3 लिखते बेटा, मिलीमीटर टू मीटर। द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी बोली गई है वो है 20 पॉइज। मैंने बोला था आपको 20 जब पॉइज रहा तो 10^-1 करते न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में कन्वर्जन करना है तो 10^-1 से देखो यहां दे वाला है 1 पॉइज, मतलब क्या दे वाला, देखो वही काम किया बेटा, तो क्या हो रहा है 2 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर कीप द प्लेट मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दी वाली बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, आप सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो -2 मीटर पर सेकंड, बात समझे, बात समझ में आ रही है, ऑल इज वेल बेटा। मतलब एक मेटल प्लेट है, इसका एरिया दी वाला इतना, सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज प्लेट, ग्लेसरिंग दी वाला 1 मिलीमीटर थिकनेस है, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी उसकी 20 पॉइंट्स, व्हाट इज द उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा अगर प्लेट मूविंग द वेलोसिटी इतनी है तो, ठीक है ना। तो हम लोगों का टारगेट क्या है, निकालना क्या है, फोर्स निकालना बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना। मुझे लगता है कि ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, तो इस वेलोसिटी को डीवी बोलेंगे हम लोग, डीएक्स बोलो या डीवाई बोलो, जो आपने बोला होगा वो लिखो। तो यार विस्कोसिटी कितनी है, 2 है सर, एरिया कितना है देख लेना भैया, 2 × 10^-3। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये तो 20 है, 10^-4 है, भैया पॉइंट शिफ्टिंग करना सीखो, सीईटी है बच्चा पार्टी, सीईटी में मेरे पास पैसा नहीं है किताब लेने के लिए, ओके चलिए। इसके बाद में डीवी, डीवी क्या बेटा, 2 सेंटीमीटर, इसलिए -2 डिवाइड बाय वाई, डिवाइड डिवाइड देखिए 1 मिलीमीटर है, -3, ये -3, 10^-3 कैंसल, तो एफ इज इक्वल टू 2 × 4, 4 × 8, 10^-2, 2 से पॉइंट शिफ्ट करो, 0.08, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। सबसे इजी सवाल है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ओके, सिंपल सवाल है। चलो, वाटर इज फ्लोइंग स्टडीली इन रिवर पी एंड क्यू, द टू लेयर्स ऑफ वाटर हाइट दी वाली है ना 20 and 50 centimeter फ्रॉम द वॉटर, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर दी वाली है हम लोगों को। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सीयूपी सटी कितनी परसेंटेज पाइजे सर, 99.94 रफ टॉपर बैच में अच्छे, और ऐसा कुछ नहीं, सब जगह पे एक जैसे ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। देखिए हम लोग पहले जो हाइट है उसको y1 मानते हैं, वो है 20 सेंटीमीटर, और जो दूसरी दिवाली है 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी जो है लेयर की बेटा वो है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब v2 के लिए कितनी होगी ये मान रहे, सही है बच्चा पार्टी, यही सवाल है आपके लिए। और मुझे बताना है कि विस्कस कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमने ऐसा लिखा था, कुछ याद आ रहा है, dv बाय dy मतलब f ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये v डिवाइड बाय y,
या y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते f, ये v बाई f, y इज इक्वल टू v बाई f, v बाई f, v बाई f लिख सकता हूं मैं। मतलब वेलोसिटी और ये जो डिस्टेंस है, हाइट है बेटा, ये ऊपर ऊपर जैसे पानी, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ये स्टेशनरी लेयर होती है, बाद में थोड़ा सा धीमे, बाद में पानी की लहरें ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जोर से जाती है। यस, वो हाइट है। मतलब y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के साथ रिलेशन है। और मैं v2 चाहता हूँ तो v2 अपॉन v1, यहाँ पे y2 अपॉन y1, मतलब v2 इज इक्वल टू v1 y2 अपॉन y1, ऐसा लिख सकता हूँ। v2 इज इक्वल टू v1, ये तो v2, v1 क्या है बेटा 15, y2 क्या है 50 और ये 20 है। मुझे लगता है 0-0 कैंसल, तो ये अक्सर v2 ये होगा 75 15 फाइजा डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करो 3 7.5, ऐसा कुछ आना चाहिए था। यस, आ रहा है बच्चा? क्या आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं? एक बार थम्स अप करो। बहुत इजी लेवल पे लिए मैंने जानबूझकर, क्योंकि कल मैं पीवाईक्यूज लेने वाला हूं। क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं? तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी सवाल है। पृथ्वीराज चल सकता है ना बेटा? अगर आप अभी से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, है ना? फिर विजेट इज VJTI और ICT, अगर आपको CS ब्रांच चाहिए तो 99.94% पे क्लोज हो चुकी थी ओपन। अगर आप कैटेगरी के लिए हो तो अलग अलग रहती है। कल चैप्टर एंड हो जाएगा। यस, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए बताओ जल्दी जल्दी कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं, मुझे तो पता तो लगने दो भाई। चलो देखो, एक स्क्वेयर प्लेट है बेटा, स्क्वेयर प्लेट है और इसकी स्क्वेयर है तो लेंथ इसकी 0.1 मीटर, तो एरिया कितना होगा? 0.1 मतलब 10⁻¹ मीटर होता है। अगर एरिया रहता तो -2 मीटर्स करता, लेंथ का साइड का स्क्वायर करता ना मैं। अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या बोलू, यल का स्क्वायर। अब यल है 10⁻¹ का स्क्वायर, तो -2 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही? मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि स्क्वायर एक प्लेट है, प्लेट स्क्वायर प्लेट है, वो 10⁻¹ मीटर उसकी साइड है, या 0.1 बोल सकते हो। चलो इसके बाद में आप लोगों को वेलोसिटी दी गई है, उसको हम लोग बोलेंगे 0.1 मीटर पर सेकंड, तो ये 10⁻¹ मीटर पर सेकंड है। बोथ प्लेट बीन इमर्स इन वाटर, दोनों प्लेट पकड़ के मैंने पानी में डाल दी भाई। ओके, विस्कस फोर्स जो था मेरा वो है 0.002, मैं इसको थोड़ा सा 2×10⁻³ करता हूँ न्यूटन, थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये, और ये सही है बेटा। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी जो है वो है देखो 0.01 पॉइज, मैं इसको 10⁻²⁰ न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। बेटा 10⁻²⁰ क्यों लिखते हैं मल्टीप्लाई में? वो SI यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए। तो घबराओ मत, ये कहां से 10⁻²⁰ समझा सर, ये पॉइंट शिफ्ट किया तो ये कैसे आ गए, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, मतलब आपको dy निकालना है। आपको फार्मूला ईटा a dv बाय dy है, तो dy निकालना है, तो ईटा a dv डिवाइडेड बाई f इधर आएगा। ओके चलो, तो dy ईटा क्या बेटा, ईटा है 10⁻³, ए क्या है, एरिया क्या है मेरे पास 10⁻²,
डीवी क्या है, डीवी 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 10^-1 डिवाइड बाय फोर्स कितना, विस्कस फोर्स 2×10^-3, ये -3 -3 चले गए है ना, तो 1/2×10^-3 हो गया बेटा। ओके तो dy आपको ये मिलेगा 0.4×10^-3, एक पॉइंट शिफ्ट किया यहाँ पे 5×10^-4 मीटर। देखो ये आंसर आपके पास है क्या, 5×10^-4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे आएगा बाबा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करने वाले हो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करेंगे ठीक है। क्या आ रहा है, सिंपल है, फार्मूले पता होने चाहिए, बस इस डीवाई को इधर ला लिया। ये गिवन डेटा क्या दिया है ये पता लगना बहुत जरूरी है। आरंभ बैच के लेक्चर नहीं हो रहे हैं, हाँ बेटा लाइट का प्रॉब्लम था, कुछ काम चालू है मेरे एरिया में, लेकिन कल से आपको लेक्चर मिल जाएंगे, कल से आज ही शेड्यूल लगा के रखा था, लाइट ने हम लोगों को धोखा दिया भैया। अच्छा सलाह दिया तूने मेरे प्यार का भैया। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी एक्टिंग ऑन अ लेयर वाटर एरिया, एरिया देखो वो है 4×10^-2 मीटर स्क्वायर। इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर ऑफ वाटर, ओके रिलेटिव वेलोसिटी बोलनी है मुझे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dx जो दे वाला है वो है 0.4 मिलीमीटर। थोड़ा सा सोचो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.4 मिली मतलब -3 मीटर, और ये dx ये 4×10^-4 मीटर है ठीक है, और वेलोसिटी भी दी वाली है क्या, ओके 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dv 5 सेंटीमीटर को मीटर में करो बच्चा पार्टी, पर सेकंड ठीक है ना, सेंटीमीटर टू मीटर किया। ओके सर कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी है 0.01 पॉइस, तो ईटा 10^-2 × 10^-1 ये हो गया बेटा न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। तो विस्कोसिटी हो गया 10^-3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके चलिए निकालना क्या है, व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स होगा ईटा ए डीवी बाय डीएक्स या डीवाई जो भी माना आपने, डी बाय डीएक्स कुछ भी मान सकते हो, न्यूमेरिकल में इसमें कुछ खास नहीं होता एमसीक्यूज में, पर इतना कमेंट्स मत दो। यस मैं तो सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं इसलिए तो कमेंट नहीं पढ़ता हूं, पढ़ना दूर दूसरी चीजें बाकी के बहुत ज्यादा आती है। ए क्या है 4×10^-2, डीवी क्या बच्चा 5×10^-2 डिवाइडेड बाय डीएक्स क्या है, तो 4×10^-4, 4 से 4 कैंसिल, ये -2 -2 -4 कैंसिल, समझे -2 -2 -4 ये -4 कैंसिल, तो एफ मिला है मुझे 5×10^-3, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो मुझे लगता है कि ए ऑप्शन सी सही है। ओ अरे भावड्यांना आंसर द्या, बी कसं आलं, ए यायला पाहिजे ना भाऊ, ए यायला पाहिजे ना, सिंपल क्वेश्चन्स है, इतने सिंपल सवाल पे गलती मत करना। यस कृष्णा जी, आई एम कृष्णा सर, आप साथ बिल्कुल करेंगे बेटा सर, कल सर क्लास 11 की देखो जो लाइव सेशंस होते हैं क्लास 11 का, क्लास 11 फिजिक्स सक्सेस बैच होती है, वो होती है 4 से 5, लेकिन थोड़ी सी लाइट नहीं थी इसके कारण प्रॉब्लम आई थी, और क्लास 2 आरंभ बैच बोलते हैं हम लोग इसको, ये फिजिक्स क्लास होता है 5 to 6 ठीक है, इस टाइम पे होती है क्लासेस,
लाइव सेशंस होता है, जीशान सर्स लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे, ठीक है। चलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल है क्या? चलो सुनाइएगा, दे दो भाई आंसर दे दो, ए फॉर एप्पल तनुजा। चलो फटाक से बहुत ही इजी और प्यारा सा सवाल पूछा है, बहुत हार्ड सवाल नहीं है सर। समोर, हाँ समोर ही गितलमी। चलो आप लोग सॉल्व तो करो। चलिए अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एक मिनट, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एरिया दिए वाला बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर मीटर है ना। मैंने आपको बहुत बार बोला इसको 10^2 और इसको 10^-4 मीटर स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि ये एसआई यूनिट है बेटा, है ना। तो ये 10^-2 मीटर स्क्वायर, समझे, ये 10^2, 10^-4, -2 है। रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ ऑयल 2 मिलीमीटर थिकनेस, थिकनेस बोलिए, डी वाई डी एक्स जो बोल सकते हैं 2 मिलीमीटर। तो डी वाई मिली मतलब -3 बेटा मीटर। अब फोर्स दिए वाला बेटा, फोर्स है ये 0.1 न्यूटन, मतलब 10^-1 न्यूटन है ना। अप्लाइड द पैरेलल टू द प्लेट हॉरिजेंटल, कीप इन मूविंग द यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा, डीवी बोलेंगे हम लोग इसको, 1 cm/s, सेंटीमीटर को मीटर किया -2 m/s। व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की विस्कोसिटी बोलनी है आपको, सबको फार्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, है ना। डी वाई बोला तो डी वाई बोलो, ठीक है। तो मुझे निकालना है ईटा, तो होगा ये एफ डिवाइड बाय ए डी वी बाई डी वाई। चलो फोर्स कितना है मेरे पास, 10^-1, एरिया कितना है 10^-2, V कितना है dV 10^-2, R डिवाइड बाय dy, ये डिवाइड का ऊपर लेके जाओ तो मजा आएगा बेटा, समझे। मैंने dy, ये डिवाइड का डिवाइड है इसलिए न्यूमरेटर लेके गया, न्यूमरेटर लेके गया, समझे क्या आप, समझ में आ रहा है ये। चलिए तो मुझे क्या लगता है भाई, ये हो गया 2 × 10^-4, -1, -3, -4, और ये भी 10^-4, मर गया ओनली 2 बाकी है, मतलब विस्कोसिटी मुझे 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मिल रही है। कितना इजी सवाल है, बहुत इजी इजी सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं भैया। सर ड्रॉपर के लिए वीडियो बनाई, ओके डी इज करेक्ट, ओके वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर, वेलोसिटी दी वाली, देखो बच्चा पार्टी, ये है 18 km/h, ध्यान रखिएगा 18 किलोमीटर को 5/18 करो, ये होता है बेटा मीटर पर सेकंड। जब जब अगर आपके पास किलोमीटर पर आर ऐसा आता है, किलो मतलब हजार, किलो मतलब हजार, आर मतलब कितने 3600 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये एसआई यूनिट है बेटा, किलोमीटर पर आर ये एसआई यूनिट नहीं है,
तो ये मीटर पर सेकंड है, देखो 0000 कैंसल, ठीक है, तो ये होगा 5/18 मीटर पर सेकंड, समझे 5/18 क्यों किया मैंने, तो ये मर गया बेटा, तो वेलोसिटी ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, बस उसको डीवी भी बोल सकते हैं क्योंकि फार्मूला आर डी वाई डेप्थ कितनी है 5 मीटर बेटा। व्हाट इज द शेयरिंग ट्रेस बिटवीन, शेयरिंग ट्रेस क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है तो शेयरिंग ट्रेस क्या होता है, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये निकालना है मुझे, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी भी वाला है -2 पॉइस, मैं बहुत बार बोल चुका हूं पॉइस 2 × 10⁻¹ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ईटा इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है। चलो यार फार्मूला तो है ईटा ए डी वी बाय डी एक्स या डी वाई, जो भी आपने इस्तेमाल किया होगा, मुझे करना क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया करना पड़ेगा, क्यों, शेयरिंग ट्रेस वो निकालना है, बचा क्या फिर यहां पे ईटा डी वी बाय डी एक्स बचा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब शेयरिंग ट्रेस, ईटा क्या दी वाला बेटा 10⁻³ दी वाला है, डीवी क्या है 5 है, एक्स क्या बेटा डी वाई, ये भी 5 5 5 गेट भी कैंसल, 10⁻³ शेयरिंग ट्रेस 10⁻³, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो आपको मिलेगा -10⁻³ वाला, सी इज करेक्ट है, चलो क्या आगे बढ़ना है, क्या आगे बढ़ना है, चलो नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला पर रेनॉल्ड्स नंबर, कितने बच्चे आंसर देंगे, हर बच्चे का जवाब चाहिए मुझे, हर बच्चे का जवाब चाहिए, हरिचंद्र कहता रिपीट करा बेटा, बहुत इजी सवाल था ये तो, कुछ नहीं फार्मूला है शेयरिंग ट्रेस, और शेयरिंग ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा, तो ये एरिया डिवाइड आ गया एफ बाय ए, तो बचा ईटा डीवी बाय डी एक्स, अब एफ बाय ए ईटा क्या है डी वाला है 10⁻³, डीवी क्या है बेटा 5 क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर को आप लोग मीटर पर सेकंड कर रहे थे तो इसलिए 5 आ गया था, और डी एक्स क्या है या डी वाई 5 मीटर, तो 5 5 कैंसिल 10⁻³ डायरेक्ट आंसर था, चलो हर बच्चे का जवाब होना चाहिए, हर बच्चे का जवाब होना चाहिए, बोलो जल्दी से, चलो सर फास्ट प्लेट नेट खत्म हो रहा है, ओके बोलो जल्दी से बोलो, फिर हर बच्चा आंसर दे सकता है कि नहीं, किसका रेनॉल्ड नंबर, ये पीवर नंबर है बेटा, ये क्या है रेनॉल्ड्स नंबर इज, कैसे पीवर नंबर है, नो यूनिट, इसके लिए कोई यूनिट है क्या, नो यूनिट एंड डायमेंशन, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है, एक नंबर है भैया नंबर, 1000 के नीचे रहो तो क्या बोलना है, 2000 के ऊपर रहा तो टर्बुलेंस फ्लो बोला था, इसलिए इसके लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट है, चलो
चलिए, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर वाला 1.5 मीटर. द कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर 80 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर. एंड रेनॉल्ड नंबर दे वाला है आर, वो है 1500. व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर टू अवॉइड द टर्बुलेंट फ्लो, तो वेलोसिटी निकालनी है और टर्बुलेंट फ्लो को अवॉइड करना है, तो वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, आर ईटा डिवाइडेड बाय रो डी. ठीक है, आप बोलेंगे सर रो नहीं है, तो ये वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg/m³. याद रखना, कभी कभी नहीं भी दी तो आपके दिमाग में होना चाहिए वाटर वर्ड जब आ जाए, फ्लूइड में अगर वाटर वर्ड आता है तो समझ लेना कि वो डेंसिटी 10^3 बोल के. चलो वी ये दे वाला है 1500. हाँ सर, डायमीटर सॉरी ईटा क्या दे वाला बेटा, ईटा 80 दे वाला है, डिवाइड बाय रो क्या दे वाला है 10^3 दे वाला है, डी क्या है 1.5 है. आप जानते होंगे कि यहाँ पे 15 × 8 होगा और यहाँ पे 1.5. ये देखो ना 10^3 मतलब 1000 है, नहीं तो ऐसे तो लिख सकते थे ना आप लोग, उसको ऐसे भी लिख सकते हो. देखो छोड़ दो, थोड़ा सा गंदा भी हुआ था. चलिए है ना, डिवाइडेड बाय ये 1000 है, अरे 1.5 देखो 10 ये 2 चले गए, तो ये इसके 10 गुना ज्यादा है, तो 10 × 8 = 80 होगा आपका मीटर पर सेकंड, तो ये आपकी 80 मीटर पर सेकंड होगी. ठीक है, और हमको टर्बुलेंट फ्लो अवॉइड कर रहा है, इजी है, यस इजी है ना सब लोग. चलिए हाँ जी, देखो एक ग्लास ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ टैप विद द रबर ट्यूब, द टैप इज ओपन कर दिए स्लोली, इनिशियली फ्लो ऑफ वाटर ट्यूब स्ट्रीम लाइन चल रहा था, स्मूथ पानी बह रहा था, व्हाट शुड द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू द टर्बुलेंट फ्लो, तो ये स्मूथ पानी जो बह रहा था स्ट्रीम लाइन से उसमें टर्बुलेंट फ्लो करना है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है, क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप लोग अगर आप बोलना चाहते हो तो. ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल क्या क्या दिए वाला देखो. अच्छा रेनॉल्ड नंबर भी दिए वाला है, रेनॉल्ड नंबर दिए वाला है 2500. ओके सर, रेडियस भी दी वाली है, मतलब डायमीटर बोल सकता हूँ, रेडियस डायमीटर होगी 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर कैसे लिया बेटा, रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर उसकी डबल होती है. और क्या दी वाला है सर, विस्कोसिटी दी वाली है 1 × 10^-3 है ना, पॉइस दी वाली है क्या है ना, बराबर है, पॉइस दी वाली है ना, तो कर सकते हैं आप. मैं रहा देख रहा हूँ HSC बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में थ्योरी कितनी और न्यूमेरिकल कितना परसेंटेज आता है. बेटा मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के 36 मार्क के न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, एक बार जाके तो देखो. ठीक है चलो, इसमें कौन है भैया, वाटर, वाटर आ गई तो इसकी डेंसिटी 10^3 रहती है, ध्यान रखना kg/m². चलिए मुझे क्या बोलना है, ये पॉइज नहीं है, कोई यूनिट नहीं दिया एक थिंग, ठीक है ना. चलो तो मुझे यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये वीसी क्या बेटा, आर ईटा रो डी, आर है मेरे पास हाँ 2500, ईटा दी वाला है 10^-3, रो कितना है 10^3, और डायमीटर है 2 × 10^-2. ठीक है, तो वीसी मुझे लगता है कि ये 2500 के जगह पे 10^-1 रखते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 2 × 10^1 है, तो वीसी
मुझे लगता है ये होंगे 12.5 आधे 10^-2। तो ये 0.125 ऐसे का 0.125 थ्री ऑप्शन है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी चलेगा। सिंपल सिंपल सवाल है यार, हर बच्चा कर सकता है। ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, हाँ आपको 10-12 एमसीक्यूज आएंगे आपके सीईटी में, भले आपको इजी लग रहे हैं लेकिन आते बेटा, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। बस मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा, सर मुझे डेरिवेशन आता है बट थ्योरी कैसे कितनी लिखूं, इसलिए तो वो अमन मैंने आपके लिए सीरीज बना के रखी है। आप समझो कि मैंने वो सीरीज क्यों बना के रखी है। ठीक है, चलिए, कितना सिंपल और प्यारा सा सवाल है भैया। जिन लोगों को सिंपल सा सवाल आता है, देखो एक टर्मिनल वेलोसिटी वी आर स्मॉल स्टील बॉल रेडियस आर अंडर द ग्रेविटी थ्रू द कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विस्कोसिटी रेडियस दे लो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। उनका कहना है कि इसमें एक कॉलम है और इसमें से ये बॉल नीचे आ रहा है। हम लोगों को विस्कस फोर्स के बारे में पता है, विस्कस फोर्स होता है 6πeRv। कोई भी बॉल कोई फ्लूइड में से आ रहा है तो विस्कस फोर्स कितना होता है, 6πeRv होता है। अब बेटा ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन खींच रहा है ना, तो ये जो एफ जी है वो है एम जी। मैं वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ, है ना, इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ। ये दोनों फोर्स इक्वल है, समझो एक विस्कस फोर्स ऊपर, नीचे ग्रेविटी वाला फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ 6πeRv इज इक्वल टू एम जी। मुझे चाहिए क्या, वी आर, ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो एम जी भाई डिवाइड बाय बचा क्या 6πeRr, है ना। तो एम जी आर ईटा भी बोल सकते, बाकी तो ये तो कांस्टेंट है, 6π ये कांस्टेंट है हमारा, तो वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम जी के ऊपर और ईटा आर के ऊपर डिपेंड है ईटा आर। सी ऑप्शंस करेक्ट लग रहा है मुझे, सी ऑप्शंस करेक्ट है, यस सी ऑप्शंस करेक्ट है बेटा। चलिए बढ़ते आगे। द स्पीड ऑफ बॉल रेडियस दिवाला है, रेडियस भैया 2 सेंटीमीटर, विस्कस लिक्विड है, इसकी वेलोसिटी दी वाली है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ बॉल रेडियस, अच्छा ये R1 है, इसको V1 बोलना है, R2 है 1 सेंटीमीटर, सेम लिक्विड, तो V2 क्या होगा ये पूछा है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, 2/9 टर्मिनल वेलोसिटी है, R²g रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा। तो वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस कितना है बॉल का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, करेक्ट है, बोल सकते। चलिए मुझे V2 निकालना है, डाल सकते हो V2 डिवाइड बाय V1 R2 बाय R1, तो V2 ये V1 है, R2 बाय R1 है, V2 V1 क्या है यार 20 है, R2 क्या है 1 है और ये 2 है, लेकिन इसका स्क्वायर है भैया, ध्यान रखिएगा स्क्वायर है। तो V2 ये 20, 2 का स्क्वायर 4, तो V2 5 cm/s मिल रहा है, 5 cm/s, ये ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या आ रहे भैया आंसर आ रहा है आपका? सर मैं आपके आरंभ बैच के लेक्चर देखता हूँ और बहुत अच्छी ही बहुत मदद की, थैंक यू सर। वैसे कौन सी सीरीज प्लीज़ बता दीजिए कि ऑनलाइन लेक्चर में कम देखता हूँ और डाउनलोड करके देख। चलिए, एंड अगेन थैंक यू सर, पहले फिजिक्स पढ़ाने का मन नहीं करने वाले थे, माय फेवरेट है, थैंक यू बेटा, वेलकम वेलकम।
रॉन्ग हो गया, देख लेना बराबर। चलिए चलो फटाक से, एक स्टील की बॉल है भैया जिसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिली मतलब -3 मीटर। रिलेटिव डेंसिटी 8.2 फॉलोइंग थ्रू द लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, स्टील के बॉल की डेंसिटी मतलब रो है, ये 8.2 है, और जो सिग्मा है वो फ्लूइड की है ना, लिक्विड की है, 1.9 है बेटा। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी है 7 × 10⁻¹⁻ m/s, कन्वर्जन करके ले रहा हूँ। व्हाट इज द विस्कोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, सबको पता है कि वो तो 10 m/s होती है, मुझे विस्कोसिटी पूछा है। तो विस्कोसिटी 2/9 r² यस रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय वी, तो ये 2/9। आर का स्क्वायर डायरेक्ट कर लूं मैं, 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻¹⁶, कोई दिक्कत है भैया? इसका स्क्वायर डायरेक्ट किया मैंने, चलेगा ना, इसका डायरेक्ट कर दिया। ओके, और एक जी बाकी था, जी की वैल्यू भी यही लिखता हूं, ये रो है 8.2 − 1.9 डिवाइडेड बाय वी, वी वी कितना है 7 × 10⁻¹⁶। चलिएगा ईटा, ये 2 × 4 = 9 × 7, ये 10⁻¹⁶, 10⁻²। कैसे बात समझ में आ रही बेटा? ये -6 है, ये -1 ऊपर गया, ये +1 है, ये -1 + 2, ये 10⁻¹⁶ है ना, ऊपर गया -1 - +1, ये 10⁻²। और यहाँ पे 6.3 करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन आता है बच्चों, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा क्या कर सकता हूं मैं। तो ईटा इज इक्वल टू 2 × 4, ये 9 × 7, ध्यान से देखना बेटा, 10⁻¹⁵, ये 63। बात समझ में आ रही बच्चा? पार्टी एक पॉइंट शिफ्ट किया, 63 बचा है, 10⁻¹⁶ बचा था, इसमें से माइनस किया -5। ओके, तो ये मर जाएगा बेटा, समझे? 9 × 7 = 63, 63 मर गया। तो ईटा इज इक्वल टू ये 8 और ये -2 करता हूं, ये -3। बताता हूं बेटा क्यों किया, 8 × 10⁻²⁺, ये पॉइजलिस है ना, वो यूनिट है बेटा छोटी, एक यूनिट है छोटी, 10⁻³ को बोला जाता है। ओके, तो 8 × 10⁻³। चलो लास्ट, और कितने करेंगे मेरे बच्चे फास्ट, ये है मेरा लास्ट। मुकेश सर सी, अरे बाप रे, थैंक यू यार, चलिए बोलो जल्दी से, व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ ब्लड फ्लो इन आर्टरी। रेडियस से बेटा, देखो लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ब्लड में जो हमारे है ना आर्टरी है, इसका जो रेडियस है बेटा पार्टी, ये 2 × 10⁻³ है। ओके, फ्लो मस्ट रिमेन स्ट्रीमलाइन, फ्लो कैसे स्ट्रीमलाइन, स्मूथली फ्लो हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर लैमिनार, लैमिनार के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो दे वाला है आर का, वो है फ्लो इज 2000। ओके, विस्कोसिटी दी वाली ब्लड की, वो है 2.084 × 10⁻³ pascal/s वाला है, और डेंसिटी जो रो है ये 1.06 × 10³ है kg/m³। मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर दी वाला है,
डेंसिटी, व्हाट इज द लार्जेस्ट वेलोसिटी, v निकालना है. तो v इज इक्वल टू r ईटा रो d. डायमीटर निकालना पड़ेगा यहाँ पे. तो डायमीटर होगा इसके दुगना, दुगना इतना ही होता है ना बेटा, तो दुगना होगा है ना, डायमीटर दुगना होगा. तो v इज इक्वल टू r की वैल्यू मेरे पास 2 × 10⁻³, 2000 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना, मल्टीप्लाई ईटा क्या बेटा 2.08410⁻³ डिवाइडेड बाय रो क्या है, रो 1.06 × 10⁻³ और डी क्या है तो 4 × 10⁻³. मैं चाहता हूं इस माइनस प्लस थ्री माइनस थ्री ये मर जाए तो बेहतरीन रहेगा. और ये मल्टीप्लिकेशन 8 × 16.4 बराबर है और ये 24.4. अप्रोक्सीमेटली आपको ये फील हो रहा है कि वन से देखो ना, ये 4.1 ये 4.2 है, एक से छोटा नंबर आना चाहिए, वन से छोटा. अरे यार 4.1 ये 4.2 है, वन से छोटा नंबर कौन सा है, मुझे लगता है सी ऑप्शन. तो थोड़ा सा चिपकना आना चाहिए भैया, जो अच्छे चिपकाएंगे बच्चे वो टिक पाते हैं, समझे क्या. अब ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बड़ा है, बड़ा नहीं, मुझे वन से छोटा चाहिए था डिवीजन. चलो जाते जाते अलविदा मत कहना, सब लोग लाइक और शेयर करते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना. जो जो बच्चे कर रहे हैं अच्छी तरह से, इससे भी अच्छा कैसे कर सकते, रोज सोचते चलो करते रहो. तो चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.